हेलो एवरीवन, आज हम काफी एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो आर्ट्स से ट्वेल्थ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आर्ट्स से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप आर्ट्स से कर रहे हो तो आप आगे क्या करोगे, और रियलिटी में देखा जाए तो उन बच्चों को भी आइडिया नहीं है कि उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है, वो आगे क्या परस्यू करेंगे, उनके लिए बेहतर क्या है। हम काफी डिटेल में देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी और बच्चों का डाउट जो होगा वो हम पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को नहीं पता है कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। बहुत सारे ऑप्शंस है और उनके लिए बहुत सारी फील्ड भी है जहाँ वो अपना करियर बना सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले हम ये देख लेते हैं कि आप ट्वेल्थ से आर्ट जब कंप्लीट करते हो तो आपके लिए क्या क्या स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आप उसको परस्यू कर सकते हो। सो अगर हम फर्स्ट कोर्स की बात करें तो वो है बैचलर इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इस कोर्स में आपको ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी कल्चरल स्टडीज के एस्पेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो। आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी कर सकते हो, कल्चर को कैसे समझ सकते हो और सोसाइटीज को कैसे आप एक अच्छे तरीके से समझ पाओ, क्योंकि अभी आप ट्वेल्थ पास किया आपने, आपको नहीं आइडिया कि आगे क्या होने वाली है। सो ये कोर्स आपको डिटेल स्टडी प्रोवाइड कराएगा इन सब एस्पेक्ट्स में। अब अगर बात करें कि इस कोर्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, लाइक आप अगर जब परस्यू करते हो तो ये जब कोर्स कंप्लीट होगी आपको जब डिग्री मिल जाएगा तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे। उसमें आपको एक रिसर्चर की जॉब मिल सकती है, आप एक काउंसलर बन सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो और आप एक कल्चरल स्टडीज लाइक एक एनजीओ से रिलेटेड चीजें कर सकते हो जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप उस फील्ड में अच्छा करियर बनाओ। अगर हम दूसरा बात करें तो वो है बैचलर इन आर्ट्स। बैचलर इन आर्ट्स में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। अभी आपको स्क्रीन पे 24 स्पेशलाइजेशन आपको दिख रही हो, हम उन स्पेशलाइजेशन में से जो टॉप स्पेशलाइजेशन है उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उन स्पेशलाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं और क्या आपके काम का है, क्योंकि हम पूरे स्पेशलाइजेशन को कवर तो कर नहीं सकते हैं और उसमें से हम कुछ टॉप स्पेशलाइजेशन को ही निकालेंगे जो आपसे डिस्कस करके अभी आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सो हम पहली बात कर लेते हैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स। बैचलर इन फाइन आर्ट्स है क्या, उसमें क्या क्या चीजें होती है। ये कोर्स आपको विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और अदर क्रिएटिव फील्ड को कवर करता है। इसमें आप डिटेल में देखोगे कि आर्ट्स कैसे होंगे, विजुअल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएटिविटी कैसे होगी, ये सारे एस्पेक्ट में इसमें पढ़ाया जाएगा। अगर हम इसमें करियर ऑप्शंस की बात करें कि कोर्स कंप्लीट के बाद आप इसमें क्या करियर बना सकते, तो वो उसमें आएगा गैलरी मैनेजर बन सकते, आर्टिस्ट बन सकते, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो, क्रिएटर बन सकते हो और आर्ट एजुकेटर बन सकते हो। बैचलर इन डिजाइन इन एनिमेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिटेल नॉलेज दिया जाएगा ग्राफिक्स के बारे में, विजुअल्स के बारे में, जहां आप एक मल्टीमीडिया आर्ट्स पे फोकस करोगे। और अगर हम इसमें करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेटर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, विजुअल आर्ट इफेक्टर, आप ये सारी चीजें उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बीए एलएलबी। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो 5 साल का होगा, जिसमें आप बीए के साथ साथ एलएलबी की डिग्री आपको मिलेगी और इसमें आप लीगल स्टडीज के बारे में पढ़ोगे और उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर लीगल की हम बात करें तो उसमें काफी सारी चीजें आएंगी, आप अगर एक लॉयर बनना चाहते हो तो ये करियर आपके लिए बेस्ट। नेक्स्ट है आपका बैचलर इन साइंस, जो आपको इसमें दो चीजें एड ऑन होती हैं, एक है हॉस्पिटैलिटी एंड दूसरा है ट्रैवल। आप इन दोनों चीजें का मिक्सचर आप कर सकते हो, आप बैचलर इन टूरिज्म कर सकते हो, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें आती वो भी हम देख लेते हैं। इस कोर्स में आप हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आपको घूमना पसंद है, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो ये करियर आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आपको इसमें नई चीजें जानने को मिलेगा और आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। आपको नए नए जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपके नए दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैचलर इन जर्नलिज्म। ये कोर्स में आपको रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट कैसे बनते हैं वो पता चलेगा, टीवी को कैसे फेस करते हैं, कैमरास को कैसे फेस करते हैं, लोगों से कैसे बातें करते हैं। आपको इसमें अगर हम करियर की बात करें तो आप क्रिएटर बन सकते हो, एक रिपोर्टर बन सकते हो, एक जर्नलिस्ट बन सकते हो। आपको इन सारी इंडस्ट्री का पता चलेगा और आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे करियर बनाएंगे। इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होंगे, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर हम बात करें, आपने रिपोर्टर को देखा होगा टीवी पे, तो आप एक रिपोर्टर भी बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हो। कंटेंट राइटर जो भी पेपर्स में रिटेन फॉर्मेट में वो आती है प्रिंट मीडिया,
आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हो, आपका आर्टिकल आएगा, आप न्यूज के बारे में लिखोगे, आप नए नए चीजों को लिखोगे। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप इसमें जा सकते हो। अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है तो आप इस फील्ड, ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो 12th आर्ट्स करने के बाद भी एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स लाइक CA CS, इसमें भी आप करियर बना सकते हो। सो हम एक बारी वो भी चेक कर लेते हैं कि इन कोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं और आप उसको कैसे कर सकते हो। सो पहले हम बात कर लेते हैं CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है वो काफी प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स में आपको अकाउंट का नॉलेज मिलेगा, आपको कॉमर्स इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कि एक अकाउंटेंट क्या क्या चीजें करता है, एक ऑडिटर क्या चीजें करता है, और आपको अकाउंटेंसी में आपको नंबर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जहां आपको कैलकुलेशन बैलेंस शीट एंड ऑल देखने का मौका मिलेगा। तो बच्चों का मेजर क्वेश्चन ये होता है कि वो तो 12th में आर्ट्स से थे, सो वो कैसे अपना नया करियर बनाएंगे इस अकाउंटेंसी के दुनिया में। सो ये क्या चीज़ है कि आपको ये कोर्स में ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने अगर 12th साइंस से किया है, आपने 12th आर्ट से किया है या फिर कॉमर्स से किया है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे ही CA का पेपर देंगे या फिर CA बन सकते, कोई भी कर सकता है। बस इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि बच्चा 12th पास होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड से हो उसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो उसमें क्या क्या बन सकते हो, तो आप बन सकते हो CA, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये सारे डोमेन्स है और ये सारे एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस होंगे आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा CS। CS है कंपनी सेक्रेटरी। इसमें हम लीगल स्टडीज के बारे, कंपनीज के लीगल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। सो इसमें भी काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और ये दोनों करियर काफ़ी अच्छा है अगर हम बात करें पैसों के मामले में। इसमें काफ़ी पैसे हैं, सो ये आपके लिए अच्छा करियर हो सकता है अगर आपको एक कंपनी से रिलेटेड चीज़ें करने का मौका मिलता है और आपको एक इंटरेस्ट है कि आपको वहाँ कंपनी से रिलेटेड ही काम करनी है। सो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। CS में जो करियर ऑप्शंस हैं वो है आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट। अब बात करते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट कोर्स कैसे चूज कर सकते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि वो कोर्स आपके लिए बेटर है या नहीं। आपको अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को देखना होगा और उसके बेसिस पे आपको कोर्सेज को चूज करना होगा। जैसे आपका अगर इंटरेस्ट है घूमने का, आपको इंटरेस्ट है ट्रैवल करने का, तो आपके लिए ट्रैवल इंडस्ट्री अच्छी है। अगर आपको आपको नंबर से खेलना पसंद है और आपको कंपनीज के बारे में जानना है तो आपके लिए CA CS बेस्ट है। अगर आपको कैमरा में आना है, अगर आप कैमरा अच्छा फेस कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक अच्छा राइटर हो, तो आप मास मीडिया में जा सकते हो, आप जर्नलिस्ट कर सकते हो। अगर आपको सोशल एक्टिविटीज पसंद है तो आपको आप सोशल स्टडीज कर सकते हो। और इसमें काफी लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं, जैसे आप हिंदी से कर सकते हो BA, आप इंग्लिश से कर सकते हो, और भी सारे लैंग्वेजेस हैं जिससे आप BA परस्यू कर सकते हो। सो दैट इज डिपेंड अपन योर इंटरेस्ट। आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होगा, आपको देखना होगा कि आपको अच्छा क्या लगता है और आप उसी से रिलेटेड कोर्स को चूज करो ताकि आप उसमें अपना अच्छा करियर बना सको। तो ये था एक ओवरव्यू 12th आर्ट्स के बाद करियर ऑप्शंस का। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें स्टिल कंफ्यूजन है कि वो 12th आर्ट्स के बाद क्या क्या करेंगे, उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, आप उनसे शेयर करें। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो और आपको और कुछ जानना हो तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप हमें रीच आउट करें, हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर हमने कुछ मिस आउट किया हो या आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम डेफिनेटली उसको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे और आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।